जैसे सब मोदी अच्छे काम करे मोदी आएंगे। उन्होंने हिंदू मुसलमान सबके लिए सही काम करा है। महंगाई तो बढ़ रही ना, आदमी फिर भी कह रहा भाई अरे 200 रुपए लीटर यार पेट्रोल भी डलाएंगे हम, बस मंदिर बनवाएंगे हम। लेकिन मंदिर सरकार के पैसे से थोड़ी बन। कौन कह रहा सरकार के पैसे नहीं बना? किसने बताया आपको कि सरकार ने तो बनवाया, परमिशन दी है ना अदालत से, हाई कोर्ट से परमिशन आई, हाई कोर्ट में केस वो सबके सामने चला, हाई कोर्ट ने उसका रिजल्ट बताया, सब सरकार के नजर से चल रहा है। भाई साहब हमारे यहाँ से ये देखो वो आगे वाली लाइन है ना, वहाँ से कम से कम 100-150 घर गए हैं, वो इसका हेल्प है सबको मिले, सबको फायदा मिले, वो तो इसका घर नहीं मिले। तो मंदिर बना नहीं पूरा, उद्घाटन करवा दिया मोदी जी ने जाके, जबकि अगर उद्घाटन होता है कुछ भी होता है तो जोड़े से होता है। मोदी जी तो अकेले पहुंच गए थे वहाँ पे, उनकी औरत क्या थी कि राम मंदिर के मुद्दे से सरकार को कितना फायदा होगा सुनाओ। सरकार को तो फायदा तो होगा, लेकिन सरकार का कोई पैसा तो उसमें लगा नहीं है, पैसा तो पब्लिक का लगा है पूरा। इतना प्रधानमंत्री नहीं बोलते ना, उससे ज्यादा पुलिस वाले परेशान करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। हर आदमी पढ़ा लिखा गवार कहीं लेटरिंग बाथरूम साफ कर रहा है तो कहीं मजदूरी कर रहा है, हेल्पर ही कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी। क्या है कि दिग्विजय सिंह की छवि गड़बड़, इसकी छवि सही है। हमारा और मकान टोटल यहाँ बने थे ना बाणगंगा पे, जब रोड तोड़ा हुआ तो हमारे मकान टूट गए, वो दे दिए उन्होंने पिलाई वाले मकान। बहुत सारी योजनाएं है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी चलाई है, लोग फायदा उठा रहे हैं, ले भी रहे हैं लोग, कुछ लोग अपने आपको मालूम राजनीति बहुत खतरनाक होती है। आम पब्लिक को भोपाल की क्या परेशानी? परेशानी नहीं ना, हमारी छुट्टी हो गई काम की, एक दिन की हाजिरी चले गई, अब ये प्रधानमंत्री थोड़ी देंगे हम। जो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था थी उसके कारण, जो रोजगार इंसान को देना चाहिए और उल्टा छीन लिया, और उल्टा छीन लिया हमने। क्योंकि मुस्लिम किसी की पार्टी का मतलब वो नहीं है, लेकिन इस बार पूरे मुस्लिम समाज ने यही बोला कि श्रीवास्तव जी को भी वोट देते हैं। वो चार तो पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्व में दिग्विजय सिंह इस जगह से चुनाव लड़े थे, पूरे देश भर में सीट की वो हार गए, तो ये क्यों नहीं हार रही, ये भी हार, इनका भी हारना है। मिल लिया है 6 किलो गेहूँ मिलते हैं और 9 किलो चावल मिलते हैं। हेलो नमस्कार, मैं अमित हायरन, आज हम हैं भोपाल शहर के न्यू मार्केट चौराहे पर, और यहाँ हम आम पब्लिक से, लोकल मतदाताओं से भोपाल लोकल के चुनाव और उनके होने वाले रिजल्ट के बारे में, उनसे आने वाले विषय, सरकार के बारे में सभी तरह की बातों के खुल के बात करेंगे। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, आइए चलते कुछ लोगों से बातचीत करके देखते हैं। आइए आप बताइए क्या नाम है आपका? सर आप भोपाल की रहने वाली जी। अभी लोकसभा चुनाव में आप वोटर हैं, वोट डालती हैं आप? जी। आपको लगता है अभी आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? जैसे सब मोदी अच्छे काम करे मोदी आएंगे। अच्छा मोदी जी अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो कोई एक काम आप बता सकते हैं, कौन सा काम उन्हें जो अच्छा करा हो आपको ऐसा लगा हो? जैसे तो सभी काम अच्छा कर रहे हैं और सब अच्छा लग रही है, ये बहना वाला काम बहुत ही अच्छा है। जो लाडली बहना के पैसे आपको मिलते हैं, लाडली बहना आपके घर में कितने लोगों को मिलते हैं? हमारी बहन और हमें, और उसके बाद अम्मी या भाई भाभी है उन लोगों को? अभी अम्मी को नहीं मिलती, अम्मी यही मिलती जी जी, 60 के ऊपर हो गई होगी अम्मी, इसलिए उनको नहीं मिलती। नहीं तो आपने क्यों नहीं भरा इसका लाडली बहना का? अरे हमारा क्या है कि वो आईडी होती है ना हमारी कार्ड गेम की थी। अच्छा, तो हम यहाँ पर रहते बाल गंगा पे, इसलिए हमारा वो ही नहीं लगे कि नहीं। अरे भैया मत तुम तो बोलो, नहीं आप अच्छी बात कर रहे हो। अरे तुम भाई हर कहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो खाली आपसे सरकार की योजनाओं के बारे में पूछेंगे, आपसे यही पूछेंगे कि आपको कौन कौन सी योजना, आपको अन्न अनाज योजना का मिलता है जो प्रधानमंत्री की अनाज योजना मिल गया 1 किलो, उसमें क्या होता है भाई? नहीं तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से कितना मिल गया है? मिल गया है 6 किलो गेहूँ मिलते हैं और 9 किलो चावल मिलते हैं। और आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है? हाँ सब बना, आयुष्मान भी है और एक और कार्ड है वो भी है, श्रम कार्ड होता है कौन सा श्रम कार्ड, श्रमिक कार्ड जो बनता है हाँ वो भी है। अच्छा जो प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना चली थी उसमें मकान मिला है क्या? नहीं मिला। तो आपके पास कोई प्लॉट वगैरह है जिसके लिए ऊपर वो लोग? नहीं, हमारा और मकान टोटल यहाँ बने थे ना बाणगंगा पे, जब रोड तोड़ा हुआ तो हमारे मकान टूट गए, वो दे दिए उन्होंने पिलाई वाले मकान। अच्छा जो आगे जाके उन्होंने बना के दिए हैं तो उसके लिए, लेकिन प्लॉट वगैरह भी तो दे रही सरकार जैसे आपको, फिर पैसा कुछ नहीं दे रही, अभी तो कुछ बात सुनवाई नहीं है। उसके लिए आपने कहीं अपील करी उस चीज को लेकर? नहीं अभी कहीं नहीं करी, अब वो नेता जाने जिसने अपन को तोड़वा के यहाँ दिए मकान, शाबिस्ता है ना, शाबिस्ता लिया जो जो पार्षद है उन्होंने किया था कि हम दिलवाएंगे, अब देखो 8-1.5 साले तो हो गए हमें, अब हमें कोई मतलब नहीं है भाई, कहाँ लेके कहाँ फेंकेंगे कहाँ क्या करेंगे।
सही बात है, वो तो आप तक बहुत परेशानी है, वो भी टूटा फूटे हो रहा है, बड़ा छेद हो रहा है घरों में। तो अभी उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आपको यहाँ से हटाया है तो कहाँ प्लाट मिलेगा? बताए पोख्ता, पोख्ता कहाँ है? अच्छा, वहाँ आपको जगह देंगे यहाँ से हटाने के बाद। तो यहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा है सब? बहुत सुविधा है, रात दिन नल चलते रहते हैं, लाइट भी फ्री है। अच्छा, और आपको ऐसी कौन सी योजना है सरकारी योजना जिनका लाभ मिल रहा हो? हमें कोई सही लाभ नहीं। तो अभी सिलाई मशीन की योजना चली थी वो आपने भरा? नहीं, आपकी बेटियों ने? बेटियों ने भी नहीं भरा। आपने अभी वो सिलाई मशीन योजना का फॉर्म भरा है? हाँ भरा है, पर कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो अभी तो उसके फॉर्म अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, फॉर्म भरा के ही रखा है। तो आपने फॉर्म भरे हुए जी? और उसके अलावा और कोई अनाज योजना जो चल रही थी उसका फायदा? अभी नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ। तो मकान बना के दे रही थी सरकार उसका? वो भी नहीं हुआ। उसका सर्वे तो हो चुका होगा आपका? नहीं, जब आपको यहाँ से प्लॉट हटाया तो उन्हें सर्वे करके नाम तो लिखा? सर्वे तो होगा लेकिन मकान नहीं मिले अभी तक, फ्लाई में रह रहा हूँ सब लोग। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया हमसे। आइए और भी लोगों से इस बारे में बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि भाई उनके बारे में क्या राय है उनकी। हेलो भैया, नमस्कार, आपका नाम सर? मोहित सेन। और आप यहीं के रहने वाले हैं? रोशन प्राग। नहीं, मैं तो निवास मतलब वोटर भोपाल के ही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आपके यहाँ से प्रधानमंत्री जी की रैली निकली थी, कैसा लगा आपको? लगा आपको उनके के माहौल बनेगा उनके यहाँ? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जाहिर सी बात है, आने से असर तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। आपको ऐसा क्यों लगा कि प्रधानमंत्री जी को भोपाल में रैली करना चाहिए जबकि आलोक शर्मा तो उनके यहाँ लोग पहले ही ऑलरेडी बता रहे हैं कि भाई बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, दमदार? आलोक शर्मा प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर, उनकी बात कहाँ, आप उनसे विधायक से कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सुरक्षित सीट है इसलिए उनको यहाँ करने का कोई फायदा ही नहीं था। ये सुरक्षित इससे पहले तो विधायक की हार के बैठे थे ना, विधायक की हार के बैठे इसलिए उनके लिए यहाँ प्रधानमंत्री को रैली करना पड़े, जाहिर सी बात है। अब उनके दम पे अगर वो निकालना चाहेंगे निकल तो जाएंगे, लेकिन भारी मतों से थोड़ी निकलेंगे। तो आपको नहीं लग रहा कि वो बहुत ज्यादा मतों के अंतर से जीतेंगे? यार ये तो आप बाद में पता चलेगा, बाकी उम्मीद तो यही है। नहीं, जैसे अरुण श्रीवास्तव उनके अपोजिशन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आपको कितना दमदार लगते हैं वो, कितने दमदार मुकाबले में? आप जानते हैं अरुण श्रीवास्तव को? अच्छे नहीं जानता, मैं तो सिर्फ प्रचार में भी देखता है। आपके इधर जो आस पास प्रचार हो? मुझे तो नहीं लगता। फिर एक तरफा वोटिंग आलोक शर्मा के पक्ष में हो सकती है? आपको क्या लगता है वैसे होगा क्या, आलोक शर्मा जी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे अरुण श्रीवास्तव? नहीं, नहीं दे पाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? बीजेपी का गढ़ है तो पूरा, कम से कम आलोक शर्मा 4 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे। 4 लाख से ऊपर, जो पिछला रिकॉर्ड प्रज्ञा ठाकुर ने बनाया था उससे भी हाई से हाई है। तो कहीं ना कहीं उनकी महापौर वाली छवि इसके लिए हावी, जो पुराने महापौर रह चुके भोपाल के, तो इसलिए? जी जी, उससे भी हाँ, जाना पहचाना चेहरा हुआ है। अब अरुण श्रीवास्तव को जानता ही नहीं था। दिग्विजय सिंह भी वो जाना पहचाना चेहरा था लेकिन भोपाल के दिले के सीट से नहीं जीत सकते कांग्रेस, भोपाल के लोगों ने उनको इतना महत्व नहीं दिया। जी, ऐसा क्यों लगता है आपको कि किस कारण से उनको महत्व नहीं दिया? अच्छे नेता हैं, राजनीति में कुशल चाणक्य कहे जाते हैं। अब ये यानी अच्छे नेता तो है दिग्विजय सिंह का, तो कोई खराब नहीं, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर उनके आगे इतनी भारी क्यों पड़ी? अरे बीजेपी का गढ़ इधर, कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। आपको बीजेपी ऐसी कोई योजना जो बहुत अच्छी लगी हो? अब बीजेपी की योजना तो सभी अच्छी लगी है, कोई एक जिसके कारण आपको लगाओ कि ये काम उन्होंने बहुत अच्छा करा? बहुत सारे, हमारे इधर में तो गांव से हूँ, मेरे इधर सारे रोड बन गए, कांग्रेस के टाइम में रोड ही नहीं होती थी गांव। कहाँ, किस गांव से आप? मैं या खजूरी से हूँ। खजूरी, अपने ये फंदा खजूरी? हाँ, रामेश्वर शर्मा जी के एरिया है, उस एरिया से हूँ। क्या क्या काम करवाया उन्होंने आपके? सबको किसान निधि मिल रही है, बहुत से काम हुए उनके, तो सारे काम। जब गेहूँ यहाँ पर अच्छे भाव में खरीद रहे हैं, पहले से ये रेट नहीं मिलते थे गेहूँ के, जो हम मिल रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले 2700 का वादा किया था, अभी 2700 का रेट तो नहीं, 2700 का खरीद रहे हैं ना, फिर बोनस दे रहे हैं, दे रहे हैं ना 125 रुपए बोनस दे रहे हैं, 125 रुपए बोनस दे रहे हैं। आपको लगता है आगे गेहूँ के रेट और बढ़ेंगे? इससे बढ़ेंगे ना, लगता है चुनाव के बाद आएगा उसको। हाँ, आगे बढ़ेंगे रेट और। चलिए, हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए इनसे बातचीत करते हैं, भाई साहब से उनकी राय पूछेंगे। सर जी नमस्कार, आप इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं, आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर वो आलोक शर्मा और अरुण श्रीवास्तव के किस नजरिए से देखते हैं उनको। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? राशिद। राशिद भाई, आप यही न्यू मार्केट के रहने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ रैली करी थी, आपको लगता है उनके यहाँ भोपाल में रैली करने से आलोक शर्मा को कुछ से कुछ फायदा होगा? फायदा तो
अब ऐसा है कि सीट तो बीजेपी की रही है, लेकिन उसके अंदर अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते जब तक रिजल्ट। कितनी कांटे की टक्कर रहेगी अरुण श्रीवास्तव? आपको लगता है कि अरुण श्रीवास्तव एक दमदार कैंडिडेट है उनके मुकाबले? हाँ, उनके अगर समाज के वोट अगर उनको मिल जाते हैं तो काफी वो टक्कर वो दे सकते हैं। मतलब काय समाज के जो 2 लाख वोटर्स वो बता रहे हैं, आपको लगता है कि पूरे 2 लाख वोटर्स एक तरफा ही जाएंगे? पूरा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ कांग्रेस की तरफ मूव हो सकते हैं। विश्वास सारंग भी कायस्थ थे, आलोक संजय जो एक्स यहाँ के सांसद रह चुके हैं वो भी सांसद कायस समाज से, तो कुछ वोटर्स उनकी साइड नहीं कटेंगे? जी बिल्कुल जा सकते हैं, उनकी साइड पे जा सकते हैं, लेकिन अगर पहले जो नहीं मिलते थे वो कांग्रेस को एक बार मिलने की उम्मीद। ये बिल्कुल ये सही पॉइंट आपने बोला है कि हो सकता है जो लोग पिछली बार इनके साइड नहीं थे वो अब जातिगत रूप से देख के इनके पास आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, भोपाल का मुसलमान, आप भी एक मुस्लिम है, एक मतदाता है, आपको क्या लगता है कि हमें पार्टी विशेष को देख के वोट देगा यहाँ पे, या वो काम देख के वोट देगा? ये काम देख के वोट देगा, क्योंकि मुस्लिम किसी की पार्टी का मतलब वो नहीं है जी। लेकिन इस बार पूरे मुस्लिम समाज ने यही बोला कि श्रीवास्तव जी को भी वोट देते हैं। श्रीवास्तव जी को इससे पहले राजनीतिक करियर उनका बहुत अच्छा नहीं है, या पब्लिक के बीच उनकी जान मतलब पहचान भी नहीं है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट? नहीं बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उनका राजनीतिक अगर बैकग्राउंड देखें तो काफी अच्छा उनका बैकग्राउंड रहा है, उनकी पदक भी रही है यहाँ पर भोपाल में, तो उसका भी फायदा उनको मिल सकता है। आलोक शर्मा पूर्व महापौर रह चुके हैं, काफी काम किया है उन्होंने महापौर रह के, 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि भोपाल के मतदाता के दिमाग में बसी हुई, आपको ऐसा लगता है? बसी तो है, लेकिन आप जिस तरह से अभी पिछली बार जो उन्होंने बाजार बंद होना या एक समाज को टारगेट उन्होंने किया, उससे थोड़ा सा एक समाज थोड़ा सा उनसे जो उनकी कट्टर छवि उन्हें बनाने की कोशिश थी, आपको लगता है कि वो थोड़े नुकसानदायक रहेगी? बिल्कुल नुकसान कर सकती है, क्योंकि एक समाज को अगर आप खुश करेंगे दूसरे को नाराज करेंगे, और राजनीति में तो सभी का हमें सपोर्ट चाहिए। राजनीति में सरकार का दायित्व होता है या सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति का कि वो समाज को एक नजरिए से देखे। चलिए राशि हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, आइए हमसे बातचीत करते हैं। भैया आपको आपको क्या लगता है आलोक शर्मा भोपाल सीट से कितने दमदार कैंडिडेट आ सकते हैं? भाई पॉलिटिशियन में वो नहीं है थोड़ा, भैया आप बताइए आप आलोक शर्मा जी को अरुण श्रीवास्तव के नजरिए से कितना डालते हैं, कितने वो दमदार के बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होंगे? वो क्या है कि असल में नए है तो उस हिसाब से उनको निपटने के लिए। आलोक शर्मा का अरुण श्रीवास्तव तो आलोक शर्मा तो उनके एक वजनदार कैंडिडेट होने के कारण कांग्रेस में कोई हल्के कैंडिडेट को उतारा या उनके ऐसे व्यक्ति को जिनकी पहचान नहीं है, आपको ऐसा लगता है? ये उन्हीं का वो है, उस हिसाब से उतारा है। पूर्व में दिग्विजय सिंह इस जगह से चुनाव लड़े थे, पूरे देश भर में वो हार गए थे, क्यों नहीं हारे, इनका भी हारना है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी छवि एक ईमानदार छवि। क्या है कि दिग्विजय सिंह की छवि गड़बड़ है, इसकी छवि सही है, इसका कुछ आम मतदाता को तो नजरिया बदलना है, बेनिफिट मिल सकता है, इसी चीज का बेनिफिट मिल सकता है। आलोक शर्मा भी 2 बार लोकसभा विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, आपको नहीं लगता कि पार्टी ने उन पर भरोसा करने में जल्दी करा है? इमेज उनकी भी सही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने भी क्या करा आज तक, कुछ नहीं करा। नहीं, महापौर के पद पे रहते उन्होंने भोपाल के लिए बहुत कुछ करा, ऐसे नहीं हुआ भोपाल में कोई तरक्की नहीं, कुछ ओल्ड भोपाल देख लो आप, वैसे ही का वैसा है आज, वैसे ही रोड, वैसे ही सड़कें, जबकि पुराने भोपाल के वो रहवासी हैं, वहीं के रहने वाले, उसके बाद भी कोई तरक्की नाम की चीज नहीं है। नए भोपाल में काफी काम हुए लोग बोलते हैं, लेकिन पुराने भोपाल की अनदेखी की गई है, तो कहीं ना कहीं लोग इसमें विधानसभा चुनाव में जो विधायक एक तरफा हमेशा कांग्रेस के रहे, लोग इसको नजरिया भी देखते हैं कि उस सीट से हमेशा कांग्रेस जीतती आई है, इसलिए पुराने भोपाल का विकास, ऐसा लगता है आप? नहीं है, वहाँ पे तो बस आपकी चल लिया है, जैसा भी है ओल्ड भोपाल में बस चल लिया है, इसके जो समझ में आ रही है बस खाने दो पेट भरने दो। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से रैली करी थी, आपको लगता है आलोक शर्मा जी के लिए बहुत फायदेमंद? फायदेमंद तो कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है इससे, पब्लिक को और हैरान परेशान कर डाला, 3 दिन में पागल कर दिया पब्लिक को, जो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था थी उसके कारण, जो रोजगार इंसान को देना चाहिए और उल्टा छीन लिया हमने, ऐसा क्यों लगता है? आपके आदमी मार्केट बंद करवा दिए, दुकानें बंद। अच्छा आप बताइए क्या परेशानी हुई आपको उस दौरान? आपको जो परेशानी हो आप तो वो बताइए, क्या उस दरमियान आपको क्या परेशानी हुई थी बताइए आप, अगर इस प्रधानमंत्री की रैली से क्या परेशानी हुई आम पब्लिक को भोपाल की क्या परेशानी हुई ना, हमारी छुट्टी हो गई काम की,
एक दिन की हाजिरी चले गई, अभी प्रधानमंत्री थोड़ी देंगे आप, वही वही हाँ तो प्रधानमंत्री देंगे क्या? जैसे भैया कह रहे हैं तीन दिन तक यहाँ दुकानें बंद करवा दी गई थी, तो उसके लिए आपको लगता है कि गलत है? तीन दिन नहीं, एक दिन बंद था मार्केट, एक दिन मार्केट बंद करवा, जिस दिन उनकी रोड शो था उसी दिन बंद। लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेके ये बहुत जरूरी है, और ये प्रोटोकॉल भी है कि जहाँ उनकी रैली होती है या ऐसा होता है तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रही है? एक अलग चीज होती है, एक मार्केट बंद करवाना अलग चीज, इस सुरक्षा के मद्देनजर ही करा है। जरा प्रधानमंत्री नहीं बोलते ना, उससे ज्यादा पुलिस वाले परेशान करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये शासन जो है ना, ये सही नहीं। तो आपको लगता है कि आपकी बार के चुनाव में कुछ बदलाव होगा? इसमें लोकसभा के चुनाव में बदलाव होना चाहिए, नहीं तो अभी तो सड़क पे यहाँ भी नहीं होंगे। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, आइए और भी लोगों से हम जानते हैं इनसे। हाँ भैया बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पॉलिटिशियन नहीं, आप पॉलिटिक्स नहीं, हम तो जनरली बात कर रहे हैं। जैसे तीन दिन भैया ने बोला दुकानें बंद थी, आपको लगता है उससे आपको कुछ नुकसान? बहुत नुकसान हुआ हमें, बहुत नुकसान हुआ तीन दिन में। भैया बोल रहे हैं एक दिन बंद थी, आप क्या थी? नहीं नहीं तो पुलिस वालों ने बहुत परेशान करा हमें कि भाई नहीं आईडी बने, और भी काफी समस्याएं हैं। सिलेंडर रखे ना लोग घरों में, तो सिलेंडर तक हटवा दिए थे। हाँ भैया, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तो बहुत जरूरी है ना? अरे तो आदमी के भूखा मर जाए, सिलेंडर घर से बाहर फेंक के आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि उनका रैली वाला रूट यहाँ से नहीं होना चाहिए? रैली से कोई लेना देना नहीं है ना, वो नहीं हो, अगर होना भी होता तो उससे हमें क्या लेना देना, जैसे पब्लिक खड़ी वैसे हम भी खड़े। और उसके अलावा आपको क्या परेशानी हुई उनकी, ट्रैफिक वगैरह? तो चारों साइड हुई है, एक जगह नहीं हुई, तो परेशानी झेलनी पड़ेगी आदमी, अगर रैली अगर हो रही है तो झेलनी पड़ेगी। भाई आदमी का घर यहाँ है, 5-3 किलोमीटर दूर घूम के पैदल आ रहा है, उसको मैं बताइए अब क्या होगा, परेशानी नहीं होगी तो क्या होगा? आपको क्या लगता है किस नजरिए से ये सब सरकारी जो बंदिशें रहती है आम आदमी उससे परेशान? चौचले हैं आदमी को, एक तो काम धंधे पे होना चाहिए क्या भाई, आदमी बस मजदूरी के लिए मजदूरी नहीं मिल रही, आदमी मेहनत करेगा तो दो पैसे आएंगे, जब मेहनत ही नहीं कर पा रहा तो पैसा कहाँ से आएगा उसके पास? हर आदमी पढ़ा लिखा गवार, कहीं लेटरिंग बाथरूम साफ कर रहा है तो कहीं मजदूरी कर रहा है, हेल्पर ही कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी जो डिग्रियां लेके बैठा है। अभी आपको लगता है सरकार को रोजगार के मुद्दे पे बहुत कुछ करना बाकी? ये करना चाहिए, ये नहीं कर रही, दूसरी जगह रुक लेके जा रही पब्लिक को। किस जगह पता है, किस टाइप का रुक? तो आपको समझते हो नहीं, आप आपको देखिए आप पब्लिक है, आप बताओ हमें भी पता है, लेकिन हम आपकी हम आपकी राय सुनने आए हैं, तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है। हमारी राय आपको सब मालूम है, आप तो बताओ पहले। शिक्षा के रोजगार के अलावा बेरोजगारी घट रही है, बढ़ रही है, महंगाई के मुद्दे पे काम नहीं हो रहा है? महंगाई तो बढ़ रही ना, आदमी फिर भी कह रहा भाई साहब अरे 200 रुपए लीटर यार पेट्रोल भी डलाएंगे हम, बस मंदिर बनवाएंगे हम। लेकिन मंदिर सरकार के पैसे से थोड़ी बन, कौन कह रहा सरकार के पैसे नहीं बना? किसने बताया आपको कि सरकार? सरकार ने तो बनवाया, परमिशन दी है ना अदालत से, हाईकोर्ट से परमिशन आई, हाईकोर्ट में केस सबके सामने चला, हाईकोर्ट ने उसका रिजल्ट बताया, सब सरकार के नजर से चल रहा है। अगर हम नहीं देखिए आप बताइए मुझे, आपको आप मुझे पब्लिक के कहने पे होना था ना, तो मंदिर बना नहीं पूरा, उद्घाटन करवा दिया मोदी जी ने जाके, जबकि अगर अगर उद्घाटन होता है कुछ भी होता है तो जोड़े से होता है, मोदी जी तो अकेले पहुंच गए थे वहाँ पे, उनकी औरत क्या थी? ये आपको किसने बताया कि जोड़े से उद्घाटन? अरे भाई साहब पंडित, बड़े बड़े पंडित ऐसे नहीं बैठे वहाँ पे? मैं आपसे भी पूछूंगा, आप बताइए, आप बताइए क्या बोला? आपको लगता है ये कह रहे थे प्रधानमंत्री की रैली से यहाँ पे ट्रैफिक बंद होने से हमको बहुत परेशानियां हुई है, आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बहुत सही काम करा है, सिलेंडर मिला है, उज्ज्वला योजना था, और राशन सबको फ्री मिल रहा है, और बहुत सारी योजना उन्होंने चलाई, जो लाडली बहना योजना चलाई, मेरी बात सुनो, जनधन योजना है, लोगों को उसमें भी पैसा मिला है, आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना योजना का भी पैसा मिल रहा है, बहुत सारी योजना है ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छी चलाई है, लोग फायदा उठा रहे हैं, ले भी रहे हैं लोग, कुछ लोग अपने आपको मालूम राजनीति बहुत खतरनाक होती है, ले सब रहे हैं, आप देखो गली में सबके पास घर में ना उज्ज्वला योजना के सिलेंडर है। सर प्रधानमंत्री जो आवास योजना चलाई थी आपके इस मोहल्ले में किन्हीं को उनका फायदा मिला? भाई साहब हमारे यहाँ से ये देखो आगे वाली लाइन है ना, वहां से कम से कम 100-150 घर गए, तो इसका हेल्प है, सबको मिले, सबको फायदा मिले, मिलेगा। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने सिर्फ मंदिर के मुद्दे पे काम किया है? ये मेरे घर पे है उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भाई, हमें राशन कार्ड से राशन भी मिलता है, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है वो भी है, तो
वंदे भारत में ही घूम रहा भाई, वंदे भारत में ही घूम रहा भाई। और जन धन योजना से भी मिलता है लाडली बहना का जो अभी बना था सबके सबके यहाँ पे। आपको क्या लगता है हाई कोर्ट के फैसले से जो सरकार ने मंदिर के लिए जो फैसला दिया है वो सरकार का एक तरफा था कि वो हाई कोर्ट के फैसले से पब्लिक के लिए करा है इतने सालों से आपको खुद को मालूम है उन्होंने हिंदू मुसलमान सबके लिए सही काम करा है। कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा खत्म होने से इन चुनावों में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो रहा है, कोई विवादास्पद मुद्दे नहीं बचे हैं। आप बताइए मुझे, अरे ये मंदिर बना हम लोग आते पूजा करते बाबे बनना चाहिए तो बन गया। अच्छा अच्छी बात, इस चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा लोगों के पास। इसलिए भाई साहब ऐसा है देखो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते लोगों ने देखो उज्ज्वला योजना का केस भी पड़ा होगा लेकिन वो ये बोलेगा कि मेरे उन्होंने कुछ नहीं करा। जनधन योजना का भी काम आया उन्होंने बोला कुछ नहीं मिला। सब कुछ लेते हैं आदमी पॉलिटिक्स है वो तो अपने हिसाब से डालते हैं वोट। मतलब आदमी सब योजनाओं का फायदा ले रहा है लेकिन बिल्कुल मैं आपके पास चलूंगा। चलिए चलिए आइए ना मैं देखा था। हम लोग है राजस्थान के दलित से भी नीचे हम लोग, हमारे पास देखो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सरकार की। उसके बावजूद भी भाई सरकार जो दे रही है अच्छा कर रही है, सरकार की कोई गलत भी काम नहीं कर रहा। अभी आपका यहाँ पे राशन कार्ड वगैरह सरकार थी यहाँ पे दिग्विजय सिंह थे उन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए। हाँ हम 40 साल से 50 साल से यहीं पे झुके हुए, जब से पड़े थे आज भी वहीं पड़े। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए भैया बताइए आपको क्या लगता है जो बातचीत अभी हम लोग कर रहे थे उसमें कि राम मंदिर के मुद्दे से सरकार को कितना फायदा होगा? सरकार को तो फायदा तो होगा लेकिन सरकार का कोई पैसा तो उसमें लगा नहीं है, पैसा तो पब्लिक का लगा है पूरा। जो भी मंदिर के निर्माण ट्रस्ट का पैसा लगा है आम लोगों ने से दान कर लोगों का दान का पैसा लगा है। क्यों लोगों को लगता है कि सरकार के पैसे से मंदिर बनाया है? सरकार उसमें इन्वॉल्व है इसलिए लगता है। देखिए क्या रहता है जैसे जिसके राज में और कोई काम होता है तो क्रेडिट कहीं ना कहीं अनपढ़ जाता है। देखो देश का जो राजा है उसी को जाएगा सीधी सी बात, सही कह रहा है। तो क्रेडिट तो उनको ही जाना है इसमें कोई शक नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जिसने हर साल देश का माहौल खराब करा, 500 साल उस मुद्दे ने देश को खराब करा, अब इस चुनाव में वो मुद्दा गायब है वो मुद्दा, क्योंकि उसको समाधान निकाला जा चुका है। अब कोई मुद्दा है तो ये देश हित में हुआ ना, ये देश हित में तो है ही। आप इसको किस नजरिए से देखते? देश हित के ही नजरिए से देखते हैं। 500 सालों से जो मुद्दा चल रहा था वो आज खत्म हो गया और इससे बड़ी बात क्या हो सकती? नहीं तो किसी भी पक्ष और विपक्ष के पास उस मुद्दे के लिए अब कोई शेष नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का मुद्दा सुलेंदा देश के लिए और देश के हर धर्म के लिए हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहा, फायदेमंद ही है वो तो। नहीं तो झगड़े होते थे, अब कहाँ झगड़े हो रहे हैं, हर चीज से फ्री हो जाएगा देश, हो ही गया और क्या है। अब तो सोच है आदमी की अपनी अपनी जैसा भी है। आपको क्या लगता है आपकी बार 400 पार में उनको लगता है कि वो ऐसा होगा? 400 पार का तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो पब्लिक का ऊपर है। आपके नजरिए से क्या लगता है? लगता तो ऐसा सरकार तो बन सकती है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है। 400 का वक्रा पार नहीं होगा, ये नहीं सकते 400 का। आपको लगता है कि 400 पार कंडीशन तो ये लग रही है कि वो जो बोल रहे हैं वो ही हो रहा है, वो 400 पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं लेकिन वो काम के मुद्दे पे आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, विकास का मुद्दा बताएं। आप बताइए उन्हें, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छी चला रहे हैं, ठीक है सबको उसका फायदा मिल रहा है लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई के मुद्दे पे काम हो रहा है, चौपट है पूरा पूरा मार्केट आपको खुद मालूम है ना, सभी लोगों को मालूम है मार्केट हर प्रकार का डाउन है, हर चीज से महंगाई ज्यादा है। अभी ठीक है अब चल रहा है लेकिन जो गरीबों के लिए योजना चलाई है उसमें सिलेंडर सस्ता दे रहा है, वो आपको अनाज फ्री दे रहा है आपको, ये भी तो फायदा। ये सारी चीजें आपको इलाज फ्री मिल रहा है, सबको मिल रही है, सुविधाएं सभी को मिल रही है। ये तो इसमें कोई जाति धर्म या वर्ग का भेद नहीं है, कहीं भी नहीं है। कंट्रोल के अंदर दुकानों के अंदर जो दूसरे वर्ग को मिल रहा है वही सबको मिल रहा है, कोई इसमें कम ज्यादा का भी कोई हिसाब नहीं है, सबको बराबर ही। योजनाओं का लाभ, योजनाएं तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, मुद्दा सिर्फ महंगाई है बस। और इसके आने वाली सरकार से जो भी सरकार बनेगी आपको लगता है कि वो महंगाई के मुद्दे पर इस सरकार से अच्छा कर पाएगी? महंगाई के मुद्दे पे ही काम करना चाहिए, बाकी तो सारे मुद्दे लगभग सुलझ चुके हैं, अब कोई ऐसी बात नहीं है। लोकसभा चुनाव से लेकर सरकार, प्रधानमंत्री जी और
बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स के बारे में अभी हमने बहुत सी आम जनता से बातचीत करी, उनके विचार सुने, कुछ न्यू जनरेशन से बातचीत करी, सरकार की नई शिक्षा नीति से लेके उनके विषय में उनसे बातचीत करी। आगे भी हम इसी तरह की बातचीत और भी लोगों से करेंगे और आपको उनकी राय से अवगत कराते रहेंगे कि एक आम मतदाता न्यू जनरेशन क्या सोचती है, कि वो किस तरीके से आने वाली सरकार में अपनी भागीदारी निभा रही है और उसकी क्या क्या उसके कर्तव्य हैं। मैं भी आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा, 7 मई को होने वाली वोटिंग में अधिक से अधिक मतदान करें और भोपाल को एक रिकॉर्ड पर लेके जाएं कि हमारे भोपाल में 100% मतदान को हम के लक्ष्य को हासिल करें। मतदान हर नागरिक का पहला कर्तव्य है। आपका एक वोट स्वच्छ और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुनाव चुनकर आप लोकसभा में आपके आपकी समस्याओं को उठाने के लिए भेज सकते हैं। मेरी बातचीत आपके जो भी राय हो आप हमें अपनी राय से अवगत कराते रहें। मैं अमित आयारण द खबरदार न्यूज से, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।